अपने गठिये शरीर के साथ मिडलाइन के पास खेलते हुए तगड़े कदमों का आह्वान और रिवर्स शिफ्ट मारते हुए अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे हैं और बिना किसी नुकसान के सुरक्षित अपने पाले में वापस। और बहुत ही बढ़िया 8 नंबर के खिलाड़ी जो कि पांड्री के बेस्ट रेडर माने जाते हैं, नेरपिंगलाई के पाले में मिड लाइन के पास उछल कूद करते हुए अपनी टीम के लिए पॉइंट अर्जित करने के लिए जोर आजमाइश करते अपने पाले में वापस। इसी के साथ फिर 11 नंबर के खिलाड़ी पांड्री के पाले में जो कि बिल्कुल हल्के कदमों से झटका देकर और अपनी ताकत अजमाइश दिखाते हुए मिड लाइन पे उछल कूद, मानो जैसे कि कोई उचकता खिलाड़ी हो, और लपक लिए गए हैं पांड्री के द्वारा 1 पॉइंट पांड्री। और इसके बाद 9 नंबर के खिलाड़ी गठिले शरीर के ऊंचे कदकाठी के जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कुछ करना चाहेंगे और बहुत ही बढ़िया करना चाहेंगे अपने टीम के लिए। इधर से उधर उछल कूद करते हुए कुछ अच्छा करना चाहेंगे, लेकिन देखते हैं क्या करते, बिना किसी नुकसान के अपने पाले में वापस है। फिर से नेट लाई के 9 नंबर के खिलाड़ी ऊंचे गठिले शरीर के सुस्त तंदुरुस्त रनिंग हैंड टच प्रयास और एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। इसी के साथ 1 पॉइंट निर्मिंग लाइन और ऊंचे चुस्त तंदुरुस्त 9 नंबर के खिलाड़ी निर्मिंग लाइन के पाले में अपना प्रदर्शन दिखाते हुए देखेंगे अब क्या करते हैं अपनी टीम के लिए कोशिश और बोनस का प्रयास। एम्पायर का डिसीजन आना बाकी। बोनस पॉइंट पांड्री और 9 नंबर के खिलाड़ी पांड्री के पाले में हल्के हल्के कदमों से मिड लाइन पर खेलते हुए अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, लेकिन लपक लिए गए हैं पांड्री के द्वारा। उसी बीच रेडर आउट करार देते हुए और फिर वही 9 नंबर के खिलाड़ी जबरदस्त जो कि बॉडी फिटिंग हेल्थ कट बेहतरीन फिट करके आए हैं कि बस हमें तो जी जान लगा देना है और पॉइंट अर्जित करना है चाहे कुछ हो जाए। और उन्होंने कर दिखाया, लगता है एम्पायर का डिसीजन आना बाकी, लेकिन कर दिखाया है जरूर। उन्होंने 2 पॉइंट ले गए अपने टीम के लिए, उनके टीम के लिए खुशी की बात होगी कि उनके खिलाड़ी ने इतना अच्छा कार्य कर दिखाया। और नेट लाई खिलाड़ी गठिले शरीर के दोस्त चंद्रुस्त मिड लाइन पर खेलते हुए उचकते हुए और यहाँ लपक लिए गए हैं और फिर 1 पॉइंट का मुनाफा पांड्री को मिलता हुआ। इसी के साथ स्कोर का लेखा जोखा 1-7 पांड्री 7 नेरपिंगलाई 1। फिर 8 नंबर के खिलाड़ी पांड्री की तरफ से अपना प्रदर्शन दिखाते हुए अपना खेल दिखाते हुए नेरपिंगलाई के पाले में इधर उधर उछल कूद करते हुए अपने पाले में सुरक्षित बिना किसी नुकसान के वापस। फिर यहाँ ऊंचे गठिले शरीर के अच्छे कद काठी के 1 नंबर के खिलाड़ी जो कि पांड्री के पाले में रेड लेकर गए हैं, कुछ करना चाहेंगे अपने पिछड़ती टीम के लिए, लेकिन देखेंगे अब क्या कर पाते हैं अपने टीम के लिए, क्या कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल वही जिसका उन्हें इंतजार था, 1 पॉइंट का इजाफा किया है उन्होंने। और फर्स्ट हाफ के लिए 5 मिनट शेष। फिर उसी ओर चले आए हमारे 9 नंबर के भाई, हमारे भाई लोगों के बीच में नेरपिंगलाई और पांडरी का बहुत ही बढ़िया रोमांचक मैच चलता हुआ। 9 नंबर के खिलाड़ी जो कि शरीर को झटकते हुए
अपने टीम के लिए कुछ पॉइंट अर्जित करना चाहते हैं, लेकिन क्या कर पाएंगे देखना चाहेंगे। और फिर उसी प्रकार बिना कुछ नुकसान के सुरक्षित अपने पाले में वापिस फिर से एक बार एंट्री। एक नंबर के खिलाड़ी ऊंचे कट्टे हट्टे कट्टे चुस्त तंदुरुस्त गठिले शरीर के एक नंबर के खिलाड़ी, शायद आपको दिख नहीं पा रहा होगा या आंखें कमजोर हो गई है, उनके शरीर के तीसरे डब्बे काटोले लिखा हुआ है, लेकिन देखना है एम्पायर डिसीजन आना बाकी है। और इसी के साथ मारे यही फिर से पांडे का खिलाड़ी, आठ नंबर का खिलाड़ी नियर पिंग लाई के ओर जाती हुई एक पॉइंट अर्जित करके ले गए। इसी के पास एक पॉइंट का इजाफा पांडे धना को। फिर से नौ नंबर के खिलाड़ी ऊंचे अच्छे हट्टे खट्टे तंदुरुस्त टाइट फिट बॉडी के व्यक्ति जो कि पांडे के पले में मिड लाइन पर खेलते हुए शायद बोनस बहुत अच्छा लेना जानते हैं, लेकिन बोनस ऑफ रहेगा क्योंकि पांच ही खिलाड़ी है। और बिना किसी नुकसान के अपने पाले में वापस। और फर्स्ट हाफ के लिए तीन मिनट शेष। फिर वही नौ नंबर के खिलाड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि आज नौ नंबर बेस्ट रहेगा क्योंकि नौ नंबर के ही खिलाड़ी रेड पे रेड डाले जा रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आसपास अगर कुछ किंग चलते हो तो उनके लिए बता दूं कि आज के लिए शुभांक नौ नंबर। और फिर एक नंबर के खिलाड़ी नेर बंगलाई की तरफ से पांच के डिफेंड में पांडरी ढाना के पाले पे देखना चाहेंगे किस प्रकार का प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे अपने को। और दर्शकों का हर्ष उल्लास बढ़ा है, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह खिलाड़ी सुपर रेड भी कर सकते हैं, लेकिन देखना चाहेंगे क्या कर पाते हैं। और फर्स्ट हाफ के लिए दो मिनट शेष, टाइम आउट पांडरी ढाना जी, सचिव सागर बड़खाने जी, सह सचिव दरवेश जी कंगाले, कोषाध्यक्ष रोशन जी गजामे, सह कोषाध्यक्ष अजय जी उनके इनके सहयोग से इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ है। और फिर उसी प्रकार से नौ नंबर के खिलाड़ी नेर पिंगलाई के पाले में मिड लाइन पे खेलते हुए फिर बोनस के प्रयास और बोनस सक्सेस वन पॉइंट पांडे ढाना। स्कोर बोर्ड भी है, ध्यान दिया करो जरा। नौ नंबर के खिलाड़ी हर्ष्ट पुष्ट तंदुरुस्त ऊंचे गठिले शरीर के अच्छे कटकाठी के जो कि पांच के डिफेंस में अपनी रेट का प्रदर्शन करते हुए और एक पॉइंट का इजाफा। और एक पॉइंट लेकर अपने पाले में वापस। इसी के साथ फर्स्ट हाफ के लिए 35 सेकंड शेष। इसी के बाद नौ नंबर के खिलाड़ी पांडे राणा की तरफ से नेर पिंगलाई के पाले में बहुत ही अच्छा खेल खेला है इन्होंने, अब तक के अच्छा प्रदर्शन दिखाया, देखना चाहेंगे क्या करेंगे अपनी टीम के लिए। लेकिन एम्पायर का डिसीजन आना बाकी और एम्पायर का डिसीजन तीन पॉइंट पांडरी ढाना, तीन पॉइंट पांडरी ढाना। तीन लोग भाई कृपया बाहर हो जाइए। और साथ ही फिर से नौ नंबर के खिलाड़ी पांडरी ढाना के पाले में इस हाफ फर्स्ट हाफ की लास्ट रेड हो सकती है। और देखेंगे अब क्या करते हैं अपनी टीम के लिए, कुछ अच्छा करना चाहिए ऐसा मानना है, लेकिन देखना चाहेंगे क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए। उसी प्रकार पूरे जोश में भरी भाई। टाइम स्टार्ट इज नाउ। ओ लाइन मेट और फिर से पांडे ढाना के आठ नंबर के खिलाड़ी नेर पिंगलाई के पाले में मिड लाइन और बोनस लाइन के पास, लेकिन बोनस ऑन नहीं है, बोनस ऑफ है अभी। और इसी के साथ अपना प्रदर्शन दिखाते हुए कुछ बहुत ही बढ़िया करना
करना चाहती है अपनी टीम के लिए, लेकिन देखा जाएगा अभी एम्पायर का इशारा आना बाकी, क्या चाहेंगे और क्या करना चाहेंगे और क्या दिखाना चाहेंगे टीम के लिए। और एक पॉइंट फिर से पांडे ढाल, और बहुत ही बढ़िया लंबे कद काटी के हट्टे कट्टे तंदुरुस्त चुस्त फुस्त खेलने वाले खिलाड़ी नेहरू मुंगलाई की ओर से, एक नंबर के खिलाड़ी जिन्होंने अब तक का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट मैच दापुरी वर्सेस खड़की, इसके बाद जो महामुकाबला होने वाला है जय भवानी खड़की वर्सेस दापुरी, और फिर एक नंबर के खिलाड़ी अपने पाले में सुरक्षित वापस, साथ ही पांडे ढाना के आठ नंबर के खिलाड़ी तीन के डिफेंस में, अब देखेंगे क्या टिकल कर पाते हैं डिफेंडर में नेहरू मुंगलाई के खिलाड़ी, और जरूरी भी है, करना भी चाहिए, उन्हें बहुत जरूरत है अभी इन पॉइंटों की, जो इतनी आसानी से पांडे ढाना वाले भी नहीं देना चाहेंगे, लेकिन नेहरू मुंगलाई वालों को चुराना तो पड़ेगा भाई, भाई खेल में बने रहना है तो पॉइंट तो चुराना ही पड़ेगा भाई। जोश तो आते ही रहेगा कबड्डी में, बस होश मत खोइएगा, और हारने का मत सोचिए कभी, जीत के भी जाइएगा। और इसी के साथ एक नंबर के खिलाड़ी पांडे ढाला के पाले में मिड लाइन के पास खेलते हुए बोनस का प्रयास, लेकिन एम्पायर का इशारा ना बाकी, और बिना किसी नुकसान के सुरक्षित अपने पाले में। इसी के साथ पांडे ढाना के खिलाड़ी तीन के डिफेंड में चार नंबर के खिलाड़ी छोटे कद काठी के प्लेयर, जो कि बहुत ही फुर्तीले और ऐसा लगता है कि बहुत ही चतुर है खेल में यह खिलाड़ी, कि बिल्कुल भी अपना पॉइंट नहीं देना चाहेंगे, दुआ हो भगवान की तो धोखे से पॉइंट आ जाए यह सोचेंगे, लेकिन जाना नहीं चाहेंगे यही सोचेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है कि समय को देखते हुए टाइम पास भी कर रहे हैं, और फिर से और मैच का अंतिम खेल के लिए 60 मिनट शेष, 60 मिनट नेहरू मुंगलाई के पास की कुछ अच्छा प्रदर्शन दिखा पाए, अपने टीम के लिए कुछ पॉइंट अर्जित कर पाए तो कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन वही जोश से पांडे की टीम भी खड़ी है कि हमें नहीं देना है तो नहीं देंगे, और तुम्हें ले जाना है तो चुरा के ले जाना होगा, लेकिन एम्पायर का इशारा आना बाकी और एक पॉइंट दे दिया गया है। एम्पायर से कोई बहस भाई ना करे, एम्पायर ने डिसीजन दे दिया भाई तो दे दिया, एम्पायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन, आगे का प्रोग्रेस चालू है सर। फिर पांडे ढाना के खिलाड़ी आठ नंबर के खिलाड़ी नेहरू मुंगलाई के पाले में, उन्हें पता है कि भगवान का प्रसाद पड़ा हुआ है, बस धीरे से लेना बाकी है। उसी के साथ फिर से एक पॉइंट अर्जित पांडे ढाना, इसी के साथ स्कोर लिखा जोखा 14-6 पांडरी 14 नेहरू मुंगलाई 6, और फिर से नेहरू मुंगलाई के खिलाड़ी बिना किसी नुकसान के अपने पाले पर सुरक्षित वापस, फिर बैतूल के आठ नंबर के खिलाड़ी जो कि बहुत ही शुद्ध बुद्ध सज बुद्धि से खेलते हुए अपने अनुभव बताते हुए, अपना अनुभव प्रदर्शन दिखाते हुए कि किस प्रकार से हौसला बुलंद रखकर खेला जाता है कबड्डी का खेल, और पांच मिनट शेष मैच को, इसी के साथ फिर नेहरू मुंगलाई के एक नंबर के खिलाड़ी अच्छे खासे हष्ट पुष्ट ऊंचे कद के खिलाड़ी, जो कि पांडे के पाले में मिड लाइन पर खेलते हुए
कुछ करना चाहेंगे अपने टीम के लिए? बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कुछ करूं, कुछ चमत्कार करूं, सुपर रेड पे सुपर रेड डालूं ताकि टीम का कुछ अच्छा है, लेकिन जकड़ लिए गए यहीं पे पांड्री के द्वारा। और एक पॉइंट का नुकसान मेरे पिंगलाई को और एक पॉइंट का मुनाफा पांड्री ढाना को। उसी के साथ फिर बैतूल 08 नंबर के पांड्री के खिलाड़ी मेरे पिंगलाई से फिर से एक पॉइंट अर्जित, एक पॉइंट पांड्री ढाना। स्कोर बोर्ड वाले भैया से कहूंगा कृपया अच्छे से ध्यान दे भैया। और एक रेडर 8 नंबर के उसे भी जकड़ लिया गया। इसी के साथ नेर पिंगलाई ऑल आउट 1+2 यानी 3 पॉइंट पांडी ढाना को मिलते हुए। और इसी के साथ लेखा जोखा 19-6 पांडरी ढाना मेरे पिंगलाई 6। ऐसा लग रहा है कि नदी का पानी डैम में जमा होते जा रहा है, बिल्कुल नहर चालू है। अगर कुछ अच्छा करना है तो डैम को फोड़ना होगा, तभी नैया पार हो पाएगी नेर पिंगलाई की। फिर से वही कहना चाहूंगा, तीन मिनट 15 सेकंड शेष खेल का। और एक बार फिर से जकड़ लिया गया है पांडे के खिलाड़ी के द्वारा 3 मिनट शेष खेल को। और संघर्ष के साए में कर्म की ज्वाला जलती है, और मैच का रुख उधर मुड़ जाता है जिधर जवानी चलती है, जिधर जवानी चलती है। और उसी के साथ 9 नंबर के खिलाड़ी नेर पिंगलाई के पाले में अच्छे ऊंचे मोटे कदकाठी के 2 पॉइंट अर्जित कर लिए हैं पांडरी ढाना के खिलाड़ी ने। इसी के साथ 2.5 मिनट का समय शेष, और फिर से लपक लिया गया है यहाँ नेर पिंगलाई के खिलाड़ी को पांडरी की तरफ। और एक पॉइंट का इजाफा पांडरी को मिलता हुआ। और देखना चाहेंगे 8 नंबर के खिलाड़ी 3 के डिफेंड में, उन्हें पता है कि अब मुझे क्या करना है। जब पता है कि सामने खाना पड़ा है तो क्या करना चाहिए, बिल्कुल खाना चाहिए। और इसके बाद 2 मिनट का खेल शेष, 2 मिनट का खेल शेष, और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हुआ है अभी, लेकिन नहीं, एम्पायर का इशारा आ रहा बाकी। और एक पॉइंट फिर से पांडरी को मिलता हुआ। फिर बिल्कुल गठीले शरीर के निर्पित पिंगलाई के 7 नंबर के खिलाड़ी बहुत ही जबरदस्त रेड अपने शरीर को थरथराते हुए, बिल्कुल लग रहा है कि मानो यह व्यक्ति नहीं बिल्कुल बंदर के स्टाइल से कोई अजूबा उछक रहा है, मचल रहा है। लेकिन फिर से लपक लिया गया, गेटर आउट कर दिया गया है। और एक एम्पायर का डिसीजन दिया गया है एक। और फिर 9 नंबर के खिलाड़ी, मैंने अब तक के कम से कम 10 बार कह चुका हूं कि भाई मेरे नजरों के सामने सिर्फ 9 नंबर आ रहा है, 9 नंबर आ रहा है, क्योंकि 9 नंबर का ही खेलता है, 9 नंबर का ही पकड़ता है। 1 मिनट 50 सेकंड, बिल्कुल जो होगा देखा जाएगा, अब जो करना है करके रहेंगे यही ठान लिया है पांडरी ढाना वालों ने भी। और फिर उसी के साथ 1 पॉइंट का मुनाफा नेर पिंगलाई को। और इसी के साथ 30 सेकंड का खेल शेष, 1 नंबर के खिलाड़ी पांडरी ढाना की ओर से नेर पिंगलाई के पाले में नमस्कार कर आना चाहते हैं, लेकिन देखते हैं क्या छोटे भाई समझकर नेर पिंगलाई के खिलाड़ी आशीर्वाद देना चाहेंगे। नहीं, उन्होंने ही आशीर्वाद ले लिया है और 1 पॉइंट गवा दिया है। बढ़िया, बेस्ट लास्ट रेड इस मैच का। देखना चाहेंगे कि 2 नंबर के खिलाड़ी जिनका चेहरा बिल्कुल मनोहर यदुवंशी जी छिंदवाड़ा से मिला।